कहानियाँ किस तरह से शुरू हो चुकी हैं, कैसे टाइम ट्रेवल करते हुए दिखेंगे ऋतिक रोशन, इसी वीडियो में हम आपको समय यात्रा की एक सच्ची कहानी बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 को लेकर दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है। दर्शक हिंदी सिनेमा के पहले सुपर हीरो को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए निर्माता निर्देशक राकेश रोशन कुछ दिलचस्प ट्विस्ट लेकर सामने आने वाले हैं। इन दिनों निर्माता निर्देशक राकेश रोशन स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार राकेश रोशन प्री प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे, जबकि राजेश रोशन म्यूजिक का काम संभालेंगे। VFX का काम शाहरुख खान की रेड चिलीज हैंडल करेगी। चूंकि फिल्म का थीम काफी महत्वाकांक्षी है, ऐसे में डायरेक्टर ने विजुअल इफेक्ट्स के लिए शाहरुख की कंपनी पर भरोसा किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राकेश रोशन फिल्म में सुपर विलेन की फौज को दिखाने का मन बना रहे हैं, जो हीरो यानी कि ऋतिक रोशन से भिड़ेगी। उन्होंने हर विलेन को खतरनाक लुक देने के लिए हॉलीवुड डिजाइनर को हायर किया है। रोहित का किरदार फिल्म की कहानी में अहम है, क्योंकि वही एक शख्स है जो जादू से कॉन्टेक्ट कर सकता है। खबर मिल रही है कि फिल्म में ऋतिक को हॉलीवुड फिल्मों की तरह टाइम ट्रेवल करते देखा जा सकता है। क्रिश 3 में कृष्ण अपने पिता वैज्ञानिक रोहित मेहरा को खो दिया था, वहीं इस फिल्म में कृष भूतकाल में जाकर अपने पिता को वापस ला सकता है। क्रिश 4 को लेकर ये भी खबर है कि इस बार फिल्म में दूसरे ग्रह से आए एलियन जादू की भी वापसी हो सकती है। दोस्तों, आपके मन में समय यात्रा को लेकर एक ख्याल तो जरूर आता होगा कि क्या ये समय यात्रा महज एक कल्पना रहेगी या हकीकत बन पाएगी। अब इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब तो है नहीं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में समय यात्रा की ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समय यात्रा महज एक कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो खुद को 2030 से आया हुआ समय यात्री बताता है। समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल के बारे में बात करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल आखिर होता क्या है। मनुष्य का वर्तमान से भूतकाल या भविष्य में किसी भी समय में शरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ यात्रा करना ही टाइम ट्रेवल कहलाता है। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति भविष्य की दुनिया से आने का दावा करे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या आप उसकी बातों पर यकीन कर पाएंगे? निसंदेह हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन जब आपको समय यात्रा की ऐसी घटनाओं पर विश्वास करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी ने लाइट डिटेक्टर टेस्ट को पास करके सबको हैरानी में डाल दिया है। इस आदमी का दावा है कि 2030 से समय यात्रा करके वर्तमान में आया है और इसने भविष्य से वर्तमान समय यात्रा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को भविष्य के खतरों से रूबरू कराना है। 2028 तक इंसान का मंगल ग्रह पहुंचने का सपना हकीकत बन जाएगा और आने वाले कुछ दिन में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेगा और जल्द ही दुनिया में आर्टिफिशियल रोबोट्स का जमाना होगा। आने वाले समय में इंसान तकनीकी और विज्ञान को आगे बढ़ते हुए ऐसे आविष्कार कर डालेगा जो आने वाले समय में इंसान और पृथ्वी के लिए बहुत ही घातक साबित होंगे। दोस्तों, अगर साइंटिफिक तरीके से समय यात्रा के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं कि समय यात्रा महज एक कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है और वो आने वाले समय में इसे साबित करके भी दिखाएंगे। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दुनिया में जो भी घटना घट चुकी है उसकी छवि और आवाज ब्रह्मांड में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन समय की यात्रा करने के लिए हमें एक विशेष तरह की मशीन की आवश्यकता है जिसे वैज्ञानिक टाइम मशीन का नाम देते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल करके न हम सिर्फ भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकेंगे बल्कि भविष्य में समय यात्रा भी कर सकेंगे। लेकिन इस शख्स के दावों को देखकर हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा होता है कि क्या आने वाले समय में समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल टाइम मशीन के बिना संभव हो पाएगी। तो दोस्तों, यह है एक सच्ची घटना। चलिए बात करते हैं इस फिल्म को लेकर। तो दोस्तों, वैसे तो हमने हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में देखा है कि टाइम ट्रेवल के जरिए फिल्मों में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यानी कि समय के पीछे और समय के आगे लोग आ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिल्मों में। लेकिन हकीकत में कुछ लोग भी सामने आए हैं, उनकी बातों पर यकीन भी होता है और नहीं भी। तो दोस्तों, क्रिश 4 में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे क्रिश यानी कि कृष्णा अपने पिता रोहित मेहरा और अपनी माँ अपनी दादी को और जादू को कैसे टाइम ट्रेवल के जरिए वापस लाता है। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या टाइम ट्रेवल इस कहानी को खास बना पाएगा या इस फिल्म को? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।